हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरा क्लासेस में। दोस्तों कल का जो वीडियो था उसमें हमने नीट में या उसी तरह के किसी और एग्जाम्स में आए हुए कुछ सवाल लिए थे और हमारा चैप्टर था ग्रेविटेशन। हमने कल 3 सवाल लिए थे, आज भी हम 3 या कुछ 4 सवाल लेंगे सेम चैप्टर ग्रेविटेशन से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट या उसी तरह के किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट हैविंग twice the radius and the same mean density as Earth is, और ऑप्शन से ए है 22 किलोमीटर पर सेकंड, बी है 11 किलोमीटर पर सेकंड, सी है 5.5 किलोमीटर पर सेकंड और डी है 15.5 किलोमीटर पर सेकंड। हमें क्या ढूंढना है कि एस्केप वेलोसिटी ढूंढना है किसी प्लैनेट पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन देके रखी है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सर्फेस इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी देके रखी है 11 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g कैपिटल m अपॉन कैपिटल r, वेयर कैपिटल g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। आगे क्या बोला है कि एक प्लैनेट है उसका जो रेडियस है वो अर्थ का ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब डबल है, और उसका जो मीन डेंसिटी है जो सेम रहेगा, जो मीन डेंसिटी रहेगा अर्थ का। लेकिन इस फॉर्मूला में अगर देखें तो डेंसिटी हमें किधर भी नहीं दिखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में डेंसिटी लाना पड़ेगा। तो डेंसिटी कैसे लाएंगे, हमको मालूम है मास का, मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम किसका कैलकुलेट करेंगे, अर्थ का जो शेप होता है उसे हम स्फेरिकल मानते हैं, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही लगेगा। तो 4/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है स्फीयर के वॉल्यूम का, इनटू डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। तो ये जो मास का है फॉर्मूला उसको हम इस पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2g m की जगह पे a पुट करेंगे 4/3 πr³ रो और ये नीचे वाला r वैसे। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा 8g π आर क्यूब और नीचे r, ये r क्या करेगा इसमें से एक r कट कर देगा और बच जाएगा फिर ऊपर r² रो और नीचे रहेगा सिर्फ 3। अभी क्या होगा, ये r² है उसको हम बाहर निकालेंगे तो r हो जाएगा r अंडर रूट 8/3 g π ρ। अब इसको ठीक से देखेंगे, r बाहर है, 8 नंबर, 3 नंबर, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हमें एक रिलेशन बनता है कि एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड ऑल्सो द स्क्वेयर रूट ऑफ डेंसिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे लिखेंगे हम, द वेलोसिटी ऑन प्लैनेट अपॉन वेलोसिटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इनटू अंडर रूट द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ। अभी दिया क्या है न्यूमेरिकल में, ये इधर का वैसे के वैसा इज इक्वल टू जो प्लैनेट का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के डबल दिया है, तो हम आरपी को कैसे लिखेंगे, 2 times द रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। और आगे दिया है
कि दोनों का जो डेंसिटी है वो सेम है, तो ये जो उनका डिवीजन है वो वन आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट का वैल्यू वन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करता हूं मैं, शायद आपको दिखे ना, वीपी अपॉन वीडी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आरई और आरई कट हो जाएगा, इज इक्वल टू टू, देयरफॉर वीपी इज इक्वल टू टू टाइम्स वीई, देयरफॉर वीपी इज इक्वल टू टू इंटू वी का वैल्यू है 11, देयरफॉर वीपी इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर सेकंड। तो ए वाला ऑप्शन हमें देखना है 22 किधर है, और उस ऑप्शन को क्या करना है हमें टिक कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग एग्जाम्स में कितनी बार, 9 times ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे नीट JEE AIIMS ऐसी अलग अलग एग्जाम्स में इसको 9 times पूछा गया है, तो इसको बहुत इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसका करना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर लेंगे हम अगला न्यूमेरिकल। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ। इफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, द सेम ऑन द मून इज, और ऑप्शन है ए ऑप्शन है 0.14 किलोमीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर पर सेकंड, सी है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, और डी है 5 किलोमीटर पर सेकंड। मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग एग्जाम्स में 12 बार पूछा गया है, 12 टाइम्स इसको पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसका भी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों ए बी एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले के बेसिक प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको देखते हैं। हमें मालूम है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GM अपॉन कैपिटल R, और इसका वैल्यू देके रखा है अर्थ का, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है कि जो मून है उसका मास 1/81 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/81 ऑफ मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ द अर्थ किससे डिनोट किया है हमने, कैपिटल है, और आगे क्या बताया है कि रेडियस जो है वो रेडियस है 1/4 ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से। तो पूछा है हमको अगर अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है अर्थ पे से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो मून से किसी बॉडी का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो अर्थ का ये जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है उसमें जो मास ऑफ द अर्थ है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ द मून रखेंगे, और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, रेडियस ऑफ द मून रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला में चेंजेस क्या होंगे, देखो एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज इक्वल टू टाइम्स जी, तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी क्या करेंगे, मास ऑफ द मून रखेंगे, मास ऑफ द मून के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये वैल्यू डालना पड़ेगा 1/81, तो 1 को इतना मोल हम क्या करेंगे 81 नीचे लिखेंगे, 81 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, और नीचे रेडियस लिखेंगे, रेडियस कैसे लिखेंगे, इनटू 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। उम्मीद करता हूं ये स्टेप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 2GM, और ये जो 4 जो है वो अपॉन के अपॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, इनटू 4 अपॉन 81 इनटू आर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये 4 अगर जब बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जब 89 बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा GM अपॉन R, सॉरी 2 भी रहेगा, अंदर क्या बचा फिर 2GM अपॉन R। अगर ठीक से देखेंगे हम तो 2GM अपॉन R का वैल्यू हमें दे के रखा है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे,
ये है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून कैसे मिलेगा हमें, VE ऑन मून इज इक्वल टू 2/9 इनटू एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, तो ओ है इज इक्वल टू 2/9 इनटू 11.2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 11.2 इनटू 2 किया तो 2 2 जा 4, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 22.4/9। अगर इसको ठीक से सॉल्व किया तो 9 2 जा 18 और बचा लो, तो इसके आगे सॉल्व करने का जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शंस में देखेंगे। और ऑप्शन में कुछ है क्या 2 पॉइंट ऐसा, तो ऑप्शंस में है सी ऑप्शन है जिसमें दिया है कि एस्केप वेलोसिटी कितना है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। अगर तुम्हारा एक डिजिट का आंसर मिल गया ऑप्शन में चेक करो, तो आगे सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। तो हम डायरेक्टली किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे जिसका वैल्यू है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो फिर हम करेंगे अगला प्रॉब्लम, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m स्मॉल m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r इज, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है gmm अपॉन 12r स्क्वायर, बी है g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन 3r स्क्वायर, सी है gmm अपॉन 8r और डी है g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन 6r। तो चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें क्या ढूंढना है कि एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, और वो बॉडी जो फिलहाल अभी है, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं मैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r, क्या है, बॉडी अभी इस ऑर्बिट में है, बॉडी अभी इस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया है 2r दिया है, और हमें क्या करना है कि इस बॉडी को इस वाले ऑर्बिट से उठा के ऊपर वाले ऑर्बिट में उसको शिफ्ट करना है जिस ऑर्बिट का रेडियस है 3r, और r है द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उसके लिए हमें इस बॉडी को इस ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए इस बॉडी को कितना एक्स्ट्रा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ठीक से देखना, ये जो बॉडी है जब इस एक ऑर्बिट में होगी जिसका रेडियस है 2r, तो इस बॉडी के पास कुछ तो टोटल एनर्जी रहेगी, इस बॉडी के पास जो टोटल एनर्जी रहेगी वो एनर्जी है, हमने एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है gmm अपॉन r, ये उसके पास एनर्जी रहेगा। तो जब ये पहले ऑर्बिट में जब बॉडी रहेगी तो उसके पास कितना एनर्जी रहेगा gmm अपॉन, इस r का वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, r मतलब होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो शुरू में क्या डालेंगे हम, उसका वैल्यू 2 times r, इतना एनर्जी इस बॉडी के पास रहेगा शुरू वाला। तो इसको हम बोलते हैं E1। बाद में हमें क्या करना है कि इस बॉडी को इस ऑर्बिट तक हमें शिफ्ट करना है, मान लो जब बॉडी इस सेकंड वाले ऑर्बिट में चला जाएगा तो उसके पास कितना एनर्जी रहेगा, तो अगला फॉर्मूला gmm अपॉन r, और अभी r की जगह पे क्या डालेंगे g कैपिटल m स्मॉल m, और अभी r की जगह पे रेडियस बन गया 3 times r, ये हो गया E2। तो अभी हम क्या करेंगे, ए वाला एनर्जी और ए वाला एनर्जी, जब बॉडी इस ऑर्बिट में होगी तो उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी, और बॉडी जब इस ऑर्बिट में होगी तब उसके पास कुछ तो एनर्जी होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दो एनर्जी का डिफरेंस अगर निकाला हमने तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक जाने का एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, gmm अपॉन 2r माइनस gmm अपॉन 3r, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, तो इनमें क्या होगा gmm कॉमन हो जाएगा और r भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/2 - 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैसे क्या वैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 हो जाएगा 6,
तो ऊपर हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन सिक्स टाइम्स आर। तो हमें ए वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा और ए वाला ऑप्शन हमें जिधर दिखेगा उसको हमें क्या करना है, टिक करने का है। ये डिफरेंस क्यों है मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जब ऑर्बिट एस वाले ऑर्बिट में जब बॉडी रहेगी उसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, इसके पास पहले ही कुछ ना कुछ एनर्जी है और उसको हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो बॉडी जब इस ऑर्बिट में रहेगी तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, उसके पास पहले से ही ए ऑर्बिट वाली एनर्जी है उसको एक्स्ट्रा देना है। मतलब क्या करना है, इस ऑर्बिट में जाने के बाद उसके पास जितना एनर्जी रहेगा उसमें से इस ऑर्बिट वाली एनर्जी हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। तो हमें एक्सेस या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करना है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल था ये अलग अलग एग्जाम में चार बार पूछा गया है, तो ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं अगला न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम वेरीज एज, और ऑप्शन दिए है ए स्मॉल एम स्क्वायर, बी स्मॉल एम, सी स्मॉल एम रेस्ट टू जीरो और डी स्मॉल एम रेस्ट टू माइनस वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। बताया क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। देखो हमें वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, टू टाइम अंडर रूट टू टाइम्स जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ प्लैनेट एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस फॉर्मूले में हमें कहीं भी मास ऑफ बॉडी और इस एग्जांपल में मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एम, ये एम वाला जो एम है हमें इस फॉर्मूला में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो पार्टिकल या बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो पार्टिकल के मास को ना तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्टिकल के मास पे जो एस्केप वेलोसिटी रहेगा उस बॉडी का या पार्टिकल का वो डिपेंड नहीं करता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ दैट बॉडी और मास ऑफ दैट पार्टिकल। तो मास कितना भी हो एस्केप वेलोसिटी पे उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन जो दिया है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का कुछ मीनिंग नहीं है क्योंकि एम पे डिपेंड नहीं है, वैसे ही एम रेस्ट टू वन पे भी डिपेंड नहीं है। अगर इसमें कुछ है नहीं तो हमें क्या लेना चाहिए, एम रेस्ट टू जीरो, क्योंकि एम रेस्ट टू जीरो का वैल्यू कितना होता है वन। तो वन पे मतलब इधर वन से तुम मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एम रेस्ट टू जीरो क्या होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, आगे वाला आंसर हम चेक नहीं करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में फोर टाइम्स चार बार पूछा गया है, तो इसको भी लेना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चार एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में आए हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए